प्रभु को महानाम धन्यवाद हो जेहेतु उत्सव समिति एक समावेश अटे तेणु युवगोष्ठी मान निमंते जहा अत्यावश्यक आंभ मान प्रसंग विजय जीवन कंजी बा विजय जीवन रहस्य प्रभु नाम धन्यवाद आमे माने वाक्य पदपर्व नहीं अच्छु हितोपदेश एक आठ लेखा तीन गोटी विशेष कथ प्रथम कथा है युद्ध दिन एवं द्वितीय कथा है अश्वर सुसज्जित होगा आओ तृतीय कथा है जय सदा प्रभु प्रिय ईश्वर लोक मैंने सीमित समय भितर थो शीघ्र शीघ्र आग को बढ़ी एठारे जो तीन गोटी कथा कहगला युद्ध दिन जहां अश्व को सुसज्जित कराए आओ जय अश्व द्वारा नुह सदा प्रभु द्वारा होता है आम समस्त जीवन आम्भे मैंने सब क्षेत्र जय पाई आशा रखी था जय अन्य शब्द सफलता कहले भूल हम जो मैंने विद्यालय महाविद्यालय पाठ पढ़ुंट से माने परीक्षा रे जय पाई चाहते जो मैंने चाकरी व्यवसाय व्यवसायिक वाणिज्य क्षेत्र से माने सफलता पाइबा आशा करते जो मैंने जो उत्सव समिति सुभा युवती मैंने विवाह करने प्रार्थना रखती मोहर विवाह यात्रा जीवन यात्रा सफल हो सब क्षेत्र में मुझे सफलता को पाइब असफल विफल दाम्पत्य जीवन मन न जो मैंने विभिन्न प्रतिजोगित भाग ले सीई कन्वेंशन आम मैंने चाहू कि जय पाऊ पराजय यही आशा करेकोसी प्रतिजोगिता संगीत हो खेल हो भाषण हो वक्तृतार हो कहारे कहारे पराजय दुर्भाग्यवशत होता है कही कही कहारे कहारे को निंदा कर दिखा जज निरपेक्ष निष्पत्ति देखा कि प्रिय ईश्वर लोक मैंने पदपर्वे आम्भे मैंने देखा पाच युद्ध दिन से जेकोसी प्रकार युद्ध होद्धर विशेषता को वर्णना करेक प्रकार युद्ध रही से जेकोसी प्रकार युद्ध हो अश्व को सुसज्जित करने को पड़े
अश्व जदि सुसज्जित नाही तो परमेश्वर जय कहा द्वारा एणु परमेश्वर जय दियंतु एहा जदि आम्भे माने आशा रखी अछु तेबे आमे आपणा को केते परिमाण रे सुसज्जित सुप्रस्तुत करूछु। प्रश्न उठब अश्व सहित कहीं तुलना कर प्रभु लोक मैंने नूतन नियम से मंडली जीशु निम्ते प्रस्तुत जोएल भाववादी से नूतन नियम साधु मान अश्व रूप से देखते जोएल भाववादी पुस्तक दुई अध्याय बाहर करंतु यदि के पढ़ा पढ़ अच्छे तो बहुत भल हो ताहर दुई तीन चार समस्ते कंपमान कारण सदा प्रभु दिन आसन निकट अंधकार दिन मेघाचन्न निविड़ अंधकार दिन पर्वत गण तुल्य व्याप्त होतक कथा कहला प्रभु दिन कथा कहू कहू तापर आउ गोटे कथा कहला महती बलवती एक गोष्ठी से गोष्ठी केनेक पुरुष परंपरा पर्यत के प्रभु दिन गोटे गोष्ठी प्रस्तुत हो प्रभु लोक मैंने गोष्ठी आगरे अग्नि अग्नि ग्रास करी चले पवित्र आत्मा अग्नि पश्चात अग्नि शिखा दग्ध कर पराजय करहब ना कि पश्चात से दल को पराजय करेणुक कहे जिते जी पीठ पक्षरे षड़ पड़ी पार कर ईश्वर दिन जे गोष्ठी प्रस्तुत होम्भे मैंने से गोष्ठी अच्छु आम सम्मुखर भी ईश्वर अग्नि आम पश्चात ईश्वर अग्नि पुणी लिखागला से आगे देश एदन उद्यान तुल्य पुष्पित पल्लवित फलवंत से पश्चात ध्वंसित प्रांत मंडली दुई प्रकार देखा एक भाग एदन उद्यान तुल्य पुष्पित पल्लवित फलवंत हम आउ एक पार्श्व मंडली मध्य ध्वंसर अवस्था रही देखुचे मंडली मान से रक्षा प्राप्त कहीं ना प्रभु नाम धन्यवाद से आकार अश्व गण आकृति पढ़ी ना से सम्मुखें पृथ्वी कंपित हुए दस पद एगार पद में कहगला सदा प्रभु अपना सैन्य सामंत सम्मुखें सदा प्रभु सैन्य दल अस्त्र शस्त्र सम्मुखें भय करूँ
ଅନୁମତି ନାହିଁ ଏମାନେ ପେଲି ହେଇ ପସନ୍ଦ ନାଠ ପଦରେ କୁହାଗଲା ନ ପଦରେ କୁହାଗଲା ଏମାନେ ଝରକା ବାଟେ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏ ଝରକା ବୋଲି କହିଲେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କାଠର ଝରକା ଲୁହାର ଝରକା ନୁହଁ ଏ ଝରକା ହଉଛି ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ ଭଲ ବୁଝାଯିବ ଆଜିକାଲି ଯେତେ ଡିଭାଇସ୍ ଆସିଲା ଗ୍ୟାସେଟ୍ ଆସିଲା ସବୁ ୱିଣ୍ଡୋଜରେ ଚାଲେ ଏହି ଯୁଗରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ ସାଧୁମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନଲାଇନ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଦ୍ୱାରା ୱିଣ୍ଡୋଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତାମାନେ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ ବଳବତୀ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାହାକୁ ନୂତନ ନିୟମର ସାଧୁ ବୋଲି କୁହାଯିବ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପୃଥିବୀ କମ୍ପିତ ହେବ ଏତେ କଥା ମୁଁ କହିବାର ଭାବ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ପଶୁ ସହିତ ତୁଳନା କରାଗଲା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଶ୍ୱ ଦୁଇଗୋଟି କାମ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ ହେଲା ଯାତାୟାତ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଏହା ଛଡ଼ା ଅଶ୍ୱର ଆଉ କିଛି କାମ ଅଶ୍ୱ ଏକ ବଳବାନ ପଶୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଦିନ ପାଇଁ ଅଶ୍ୱକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାଂସାରିକ ଭାବରେ କରିବା କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ଇତିହାସ ପଢ଼ିଥିବେ ଇତିହାସରେ ହଳଦୀ ଘାଟି ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱର କଥାକୁ ଇତିହାସରେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ଯୁବକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଇତିହାସରେ ପାସ୍ କହିପାରିବେ ସେ ଅଶ୍ୱର ନାଁ କଣ ଥିଲା ସେ ଅଶ୍ୱର ନାଁ ଥିଲା ଚେତକ ଆଉ ସେ ଅଶ୍ୱର ହୋଇଥିଲେ ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ 1575-76 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର କଥା ଯୁଦ୍ଧ ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଚେତକ ନାମକ ଅଶ୍ୱ ଉପରେ ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ଏକ ଲମ୍ବା ଘାଇକୁ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ମହାରାଜାଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ତାମାନେ ଅଶ୍ୱ ନିଜ ମାଲିକ ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପଶୁ ଅଛି ଅଶ୍ୱର ଅନେକ ଗୁଣ ଅଛି ଅଶ୍ୱର ଅନେକ ଗୁଣ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଶୁଠାରେ ଦେଖାଯାଏ କଣ ସେ ଗୁଣ ହୋଇପାରେ ସେ ଗୁଣ ହେଉଛି ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବାକୁ ଭୟ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ଲୋକେ ଖଡ୍ଗ ଧରି ସୈନ୍ୟମାନେ ବର୍ଷା ଧରି ଧନୁ ତୀର ଧରି ସେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି କଣ ତୀର ଅଶ୍ୱକୁ ବାଜିବ ନାହିଁ ଖଡ୍ଗ କଣ ଅଶ୍ୱକୁ ବାଜିବ ନାହିଁ ବର୍ଷା କଣ ଅଶ୍ୱକୁ ବାଜିବ ନାହିଁ ଅଶ୍ୱ ଦେଖୁଥାଏ କି ବର୍ଷା ତା ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି ବର୍ଷାକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଖଡ୍ଗକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବେଲି ହେଇକି ବସେ ଏପରି ପଶୁ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି କୁକୁରକୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଡରିଲେ ଭୋଗିବ ଆପଣ ଭୋଗିଲେ ସେ ଡରିବ ଏଇଟା ହଉଛି କୁକୁରର ସାହସ ଆଉ କିଛି ପଶୁକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଖାଲି ଠାରେ ଏମିତି ଟିକେ କଲେ ଡରିବ ମାନେ କେତେ ଡରୁଆ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଏମିତି କଲେ ପଳାନ୍ତି ଅଶ୍ୱ ସାମ୍ନାରେ ଖଡ୍ଗ ନେଇକି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଳେଇବନି ଅଶ୍ୱ ସାମ୍ନାରେ ବର୍ଷା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବର୍ଷା ଧରି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ହେବ ନାହିଁ ତା ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ
उपसुक्त पशु होची अश्व अटे। प्रिय ईश्वर को लोक माने एते साहसिक आउ युद्ध को प्रस्तुत कराइबा पाए अश्व को बहुत तालीम दिया। अश्व हेला मात्र के युद्ध पाए से जीव नाही ता पूर्वर ताको तालीम दिया छ। मालिक बस कहिले से बसिबो, मालिक ताको चाल कहिले से चालबो, ताको डिसिप्लिन सिखा जाए। से बलवान पशुटे आउ अश्वर कौन सी मसल से ढिला ढाला न था, पूरा टोन्ड अप बॉडी पूरा फिट पशु होते थे, एकदम बलवान पशु। जदि अति तेज गति रे दौड़ा पशु मानक मध्य मणा जीव तो अश्व पचरे ना हरणी दौड़ अश्व मध्य दौड़ पूर्वपक्ष मध्य दौड़ तेणु युद्ध पशु को ही राजा महाराजा मान व्यवहार कले परमेश्वर मध्य नूतन नियम मंडल को दिन निम्ते प्रस्तुत होता सैन्य मान आपण मान मत परमेश्वर अश्वतुल्य प्रस्तुत देखा युद्ध चलला बेले जदि अश्व को रोकवाई कह से आग को बढ़ो ना आम लोक मान बाबू टे रहे कहले आम लोक मैंने रहा चाहते इंडिया मैंने तो बेस उच्चगी बिल्कुल कंट्रोल भितर रहा भल पाती ना अश्व के बलवान अश्व के निपुण हो से डिसिप्लिन रे रहे से परिश्रम करे से अपना स्वामी आज्ञा मोह हुए आउ ए सकल विषय उपरे से खड़ग को भय करे नाई, बच्चा को भय करे नाई, मृत्यु को भय करे नाई, से मरण देखिले मध्य सम्मुख को बढ़े आघात पाइले मध्य निज मालिक निमंत्र से प्राण बन करे एनो परमेश्वर अपना लोक मान को अश्व भाव बोलो येशु महाराज की एक कम शब्द सन्दे स्कूल जोर कहवा कि उद्योगी श्री मान बोलो येशु प्रभु की चल उच्च स्वर में कहवा बोलो येशु मसीह की एथर टाइम प्रभु को लोक मैंने तेज आम्भे मैंने अश्व तेज अश्व को सज्जित करने को पड़ो कि प्रकार आम्भे मैंने आपणा को सज्जित करवा आम मैथ्यूस आज्ञा युद्ध संबंध में कहू कहू बहुत सुंदर कथा उद्बोधन देले आम युद्ध दुष्टात्मा विरुद्ध प्रभु लोक मैंने आम मान युद्ध रही आम ख्रीन जीवन एक युद्ध रीवन बोली जान रखा दरकार जेहेतु अनेक प्रकार युद्ध आम मान को पड़ो आते प्रकार युद्ध कहा कहा विरुद्ध युद्ध अपराह बेड़े कहि बेड़े अश्व को सुसज्जित करवा युद्ध केमी आम प्रस्तुत हेले सदा प्रभु आम को स्वर दे प्रस्तुति कथा आम जीवन अनेक प्रकार परिस्थिति रे युद्ध सम्मुखीन होता है एप्रिल बार चारे पाप विरुद्ध युद्ध तो प्रथम करती दुई एगार अभिलाष विरुद्ध युद्ध एफिस छे आकाश मंडल दुष्टात्मा विरुद्ध युद्ध आधिपत्य कर्तापण एवं जगतर अंधकार अधिपति मान विरुद्ध युद्ध ताने आम मान युद्ध रही आम मान
पाप विरुद्ध शैतान विरुद्ध अविनाश विरुद्ध प्रमुख लोक मैंने जगतर अनेक परिस्थिति विरुद्ध युद्ध करने निम्ते आंधे मैंने निरूपित आंधे मैंने आहूत जदि एक ख्रीष्ट विश्वासी कर्तव्य कौन बोली तो कर्तव्य सब परिस्थिति को युद्ध करी जय करने निम्ते से आहूत से पाप है कि रोग है कि शैतान चातुरी है से जेकोसी परिस्थिति सम्मुखीन होना कहीं से जय पाइबा निम्ते युद्ध करने आहूत अटे एणु प्रभु जीशु कहले जहन सबल 33 रे जगत तुम मान निम्ते क्लेश अच्छे साहस घर जगत मान विरुद्ध युद्ध करने पड़ो जगत तुम मान क्लेशीन हो पड़ो साहस धर मु जगत को जय करीशु जगत विरुद्ध युद्ध कले खड़ग धरने से बंधुक धरले प्रमुख लोक मैंने युद्ध अस्त्र सांसारिक अस्त्र रुपए से युद्ध निम्ते आंधे मैंने प्राणपण करने को पड़ो सांसारिक युद्ध नुहे साधु पाउल तिमोथी को कहला बेले कहले विश्वास उत्तम युद्ध प्राणपण कर छबार पद पढ़ा आवश्यक ना साधु पाउल पुणी निजे कहले द्वितीय तिमोथी 4:7 पद उत्तम युद्ध प्राणपण कर पाउल केवे खड़ग धरी ना वर्षा धरी ना आरंभ सेवा कले आउ शेष पर्यंत सेवा करी प्राण बढ़ी गले आउ से शेष बेल को कहते उत्तम युद्ध प्राणपण कर मिनिस्ट्री करवा एक युद्ध विश्वासी जीवन एक युद्ध जीवन आदि युद्ध जीवन प्रस्तुत जदि आम ना हो तो आम हारि हार प्रिय माने युवा माने युवती माने एहा मने रखंतु शत्रु तो सबुबेले सशस्त्र प्रस्तुत अटे आपण जदि प्रस्तुत हेबे नाही तो आप हारी हारी चलिए आते लोग हारी हारी जाती से जीवन में क्षति होता युद्ध हार राजार लाभ हम ना जितवा राजार लाभ जदि युद्ध हार राजार लाभ हम ना तो हार राजार कौन हुए क्षति आम जीवन क्षतिर कारण कौन आम्भे मैंने अनेक युद्ध हारि जाइ आई हार जेहेतु युद्ध पाई आम प्रस्तुत होना आज कहीं सेवार विफल आज कहीं गृहस्थ जीवन विफल आज कहीं निजर व्यक्तिगत जीवन विफल जेहेतु आम मैंने आपणा को प्रस्तुत रखना प्रभु लोक मैंने ख्रीस्टियान जीवन जदि एक युद्ध ये युद्ध पाई एक अश्वर करते तेज ए अश्वर प्रस्तुति मुझे बहुत कथा अच्छी सातटी कथा कह प्रथम प्रस्तुति हूँ बड़ी प्रथा गोटे गोटे प्रस्तुति को गोटे गोटे घंटा कहले सर कि बस पांच पांच मिनट कही चलिए प्रभु को नाम धन्यवाद है प्रथम प्रस्तुति आपण जदि गोटे अश्व अटंती आपण जदि गोटे आध्यात्मिक अश्व अटंती आपण सम्मुखे शैतान जेते बाधा आने जेते समस्या आने जेते परीक्षा आने सब जय करने आपण को प्रस्तुत होगा पड़ो आ प्रथम प्रस्तुति है
पवित्रता उदाहरण स्वरूप जीहोशुअ सात अध्याय आम समस्त भल भाव जानु जीहोशुअ सात अध्याय कौन घटी जीहोशुअ छ अध्याय जीहोशुअ नेतृत्व इस्राएल मैंने अति सहज जिरीहो नगर उपरे चयन आरंभ कले इस्राएल मान चालीस वर्ष अनेक युद्ध से युद्ध मध्य गोटे युद्ध अटे आई युद्ध जिरीहोर जयलाभ पर हारिगले गोटे साधारण युद्ध से साधारण जो नगर था से नगर नाम है अयनगर कहीं से नगर विरुद्ध से हारिगले जेहेतु एगार पद खाली पड़ा इस्राएल पाप इस्राएल को जय मिला नियम सिंधु जीहोशुअ परी महान सेवक लीडर भाव आपण को गोटे कथा कह नियम सिंधु भी अच्छी समागम तंबु भी अच्छी जीहोशुअ भी अच्छा किंतु सैनिक मान अच्छा जय मिले कौन भाव इस्राएल पाप कर युवती मैंने पाप करेंगे जीहोशुअ भरी साधु मान कंडक्ट आप नियम सिंधु भरी परमेश्वर आश्चर्य कर्म ने परिपूर्ण किसी विषय को लोक मैंने कौन कौन प्रार्थना पाणी प्रार्थना तेल आजिकाल प्रार्थना प्रोडक्ट गुडा बहुत बाहरी प्रार्थना पेन बाहरी प्रार्थना सल बाहरी प्रार्थना हाँ साबुन प्रार्थना तेल भी बाहर बर्जना कर खाइले संतुला भल लगे धीरे धीरे प्रार्थना चाउल भी आसपे प्रार्थना बिरीयी स्टल बाहर 200 ग्राम पानी को 200 टका बिका हो प्रार्थनार स्थिति जय मिलना ना प्रार्थना पानी खाई जय मिल इस्राएल मध्यरे गोटे गुप्त पाप छिला एणु जीहोशुअ परी महान सेवक सांगरे थिले मध्य अस्त्र शस्त्र थिले मध्य नियम सिंधुक थिले मध्य जय पाइले भितरे भितरे टोकी धंदा टोका धंदा पुओ धंदा झीओ धंदा फेसबुक रे झीओ देखा व्हाट्सएप रे कॉन्ट्रैक्ट साइन कला पर चैटिंग चली थी फेसबुक रे इंस्टाग्राम रे आज कल एत बाहर जे आउ जे मत कहला आज्ञा नुआ गोटे नुआ नाई मो पाई से नुआ शुणिली नुआ रे बाहरी आज्ञा कौन स्नैपचैट माने चैटिंग देखु देखु मां बापा देखी पारो लिख जीवो मां बापा से ना देखी पारे नहीं स्वर्गीय बापा कौन देखे जुबा मैंने मोबाइल में ताला पकई रखुच्च डबल डबल ताला पेरेन्ट्स मैंने जानी जो इंडिया मोबाइल रालार चाबी तुमको सेयर करनी तो से ताला भितर आख मऊसा थ कहीं इस्राएल युद्ध पराजयर कारण है गुप्त पाप इस्राएल पाप कले किए से पाप करने व्यक्ति से व्यक्ति नाम है आखन आधिक कह आखन को से जाए बाहर करा जाए ना प्रस्तरा हाथ करा जाए ना अग्नि
দগ্ধ করা যায় নাই সে পর্যন্ত ইসরায়েল যুদ্ধে জয় পাও না। মোর এডুকেশনাল ক্যারিয়ার লোকের কথা বলি, পুরুষানুক্রমে আমি প্রভুকে সেবায় প্রত্যক্ষ পরোক্ষ ভাবে জড়িত হয়েছিল পরিবার আমার পরিবার মো শান্ত বাবা প্রভুকে সেবা করি করে চালিয়ে সেপরি আমার কুটুম্বরে অনেক প্রভুঙ্ক দাস দাস অছি সেপরি পরিবার গোটে পুয় হয়েকি টেন্থ পড়া বেড়ে সিনেমা ধন্দারে মাতি এতে পাগল এতে পাগল এতে পাগল বসিকি উঠিলে খালি সিনেমা কথা ভাল স্টুডেন্ট থাকি ভাল পাঠ পড়ি থাকি পরীক্ষার নির্ভর হল আশা মতে কুহ দেখি আম ওড়িয়া পিলা মানে কেউ সাবজেক্টে ফেল হুম টিকে জোরে আজ্ঞা দিন এগারটা পরে মতো টিকে কম শুনবে কেউ সাবজেক্টে ফেল হুম ইংলিশ মিডিয়াম পিলা মানে ওড়িয়ারে ফেল হুম আউ ওড়িয়া মিডিয়াম পিলা মানে ইংলিশ ম্যাথ ফেল হুম আম ওড়িয়া স্টুডেন্ট ওড়িয়া স্কুলে পড়ি আসিছে ওড়িয়া ভারি পড়িয়া এনো টেন্থ বেড়কু না মু ইংলিশ রে ফেল হেলি না মু ম্যাথস রে ফেল হেলি মু তো ফেল হেলি আপন শুনিলে হসিবে সামাজিক বিজ্ঞান কাই দিয়ে ফেল হেলা মু বুঝি গল এতে মাত্রারে ফেল হেলু নিশা এহা পরমেশ্বর মতে দণ্ড দেবে মোর সাঙ্গ মানুষ কহিলি ঠিক কই বাত নেই আরে ইয়ার তুম লোক যাও পহলে যা কর কে আচ্ছা 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 পহলে যা কর কে তুম লোক হিরো কে লিয়ে রাস্তা তৈয়ার করনা কলেজ মে বাদ মে না হিরো এন্ট্রি করতা হ্যায় হম তো সাপ্লিমেন্টরি দে কে আ জায়েঙ্গে তো মেনে বড়ে হিম্মত কে সাথ সাপ্লিমেন্টরি দিয়া পতা হ্যায় তব ভি মেনে ফেল হুয়া কিসি কো মত বোলনা মে দো বার টেন ইয়ার ফেল থা पता है कौन सा सब्जेक्ट में फेल हुआ तब सोशल साइंस में फेल नहीं हुआ ज्योमेट्री में फेल हुआ मुझे समझ में आ गया ये फेल होने का कारण मेरा खानदान परमेश्वर का सेवादार लोगों से भरा हुआ है मैं खुदा का एक बेटा हूं और मैं फिल्मों में मताल हूं ये परमेश्वर का चांटा था मुझ पर सच मानो या ना मानो मैं आपसे कहना चाहूंगा दिसंबर 31 तारीख मेरे लिए आखिरी था फिल्मी दुनिया फिल्मी नशा को विदा करने का मैंने शपथ खाया कसम खाया प्रभु से कहा प्रभु मुझे माफ करो आगे को ये सारे रास्ते में नहीं चलूंगा सन 95 जनवरी 1 तारीख से मैंने सारे गुनाहों को छोड़ने का ठान लिया उसके बाद तापरे परे बहुत किसी कथा घटेला मु परिवर्तन हे बोली काल क्रमे प्रभु को लोक माने इनके गुरुये सभा करी चले मोर परिवर्तन हैला तापरे प्रभु को पाईली तापरे परीक्षा देली बिना परिश्रम रे भलो मार्क आने के पास हेले मु कहिवार कथा हेउची से ओ भेडिया माने जुबा माने जुबती माने জীবনরে পাপ কো লুচাই রেখেছ তুমি এহা মানো কি ন মানো যে পর্যন্ত পাপ কো ছাড়িব নাই স্বয়ং প্রভু তোমাকে জয় দেবে অনেক প্রকার জীবন পাপরে সরুচি যুবা মানকর এহা যদি খালি যুব মিটিং হই থাকা মুকে তারা কথা কইছন্তি এহা মিক্সড কমিউনিকেশন দেবার উপরে যুবা মানে সাবধান প্রেম বাহানারে পাপ করিব আর পাপ করি করি প্রেম বলে ভাবিব বহু সাবধান হয়ে থাকব আজিকাল যুগরে পাপ নাহি বলে শিক্ষা দেওয়া দল বি বাহারি আর মন্ডলীর যুবা মানে সিয়ার কো টানি হয়ে যাচ্ছেন সাবধান যেতবে ইসরায়েল মানে হারি গলে 36 জন সৈনিক সেদিন যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ কলে আর সে মানে পিঠি দেখাই কি মান খাই কি ফেরিলা বেড়কু ইসরায়েলর পরাজয়
को देखी जीह हृदय तरलीगलादय पाईगला से तले पड़गले आध्या पर्यत मुंडे धूली छिंची मटी छिंची कांदी कांदी प्रभु प्रार्थना कले प्रभु आम कहीं पराजय हेलु कहीं प्रभु कहते इस्राएल पाप कर जेपर्यंत पाप को उत्पादन करिवो नाही आमे तुम संगरे रहिबा नाही तेर पदरे प्रभु कहिले उठ लोक मानक पवित्र प्रभु को लोक मने पवित्र जदि हेबे नाही जय पाइबे नाही एणु समस्त को सुचाई देबा पई चाहे आपण मानक जीवन रो आध्यात्मिक शुद्धर प्रथम प्रस्तुति हो पवित्रता चक्षु को पवित्र करंतु मन को पवित्र करंतु चिंता भावना को पवित्र करंतु निजर चाली चलन को आचरण को पवित्र करंतु जेहेतु से कहंती तुम्हें अपना आचरण रे पवित्र हो सेपरि तुम्हर आह्वान करता पवित्र इस्राएल मानको पाइबोली परमेश्वरंकर गोटे स्वतंत्र आदेश थिला कि इस्राएल माने जेतेबेले मलत्याग करूथिले परमेश्वर सेमानको कहूथिले मलको मध्य बाहारे खोला पडियारे छाडिबो नाही ता माटीरे पोती देबो जेहेतु सदा प्रभु पवित्र अटे हाँ पढ़ तेईस अध्याय द्वितीय विवरण तार तेर चौदह तुम्हें अपना सामग्री समय जो खाती रख तुम्हें बाहर को बसा समय तद्वारा खोल और निर्गत मल पोति पक तुमको रक्षा करने और तुम सम्मुख में तुम शत्रु मान को समर्पण करने सदा तुमको अवस्था तुम छाउणी मध्य गमनागमन करते से जपरि तुम मध्य लज्जाकर विषय न देखती और तुम निकट विमुख न होती तुम छाउणी पवित्र तुम छाउणी मल देखा जाओ एणु तुम सामग्री मध्य गोटे खणति रख निर्गत मल को मटी खोल पति पकाइब पोती पकाइब कारण चौदह पद रहा कारण कहीं मल बाहर देखा नजर कारण तुमको रक्षा नंबर वन नंबर टू तुम शत्रु मान तुम हाथ में समर्पण करने को अर्थात शत्रु समर्पित जदि हारे आम विजय हम अर्थात आम को जय देवा सदा प्रभु आम छाउणी मध्य गमनागमन करती तेणु आम छाउणी आमर मोबाइल आपत पवित्र हम आम मोबाइल समस्त कहते खाली आपड़े जहा कह खाली पवित्र ओके आमर चक्षु आमर जिभा आमर कान जो मैंने चुगली शुणी इयरफोन रे फिल्मी गीत शुणी कान आमर कंठ आम मोबाइल आम लैपटॉप आम फ्रेंड सर्कल हम तो यह प्रथम प्रस्तुति द्वितीय प्रस्तुति युद्ध निमंते विजय जीवन द्वितीय प्रस्तुति है परमेश्वर सानिध्य को निज पाखे धरि रखिंग योरसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड परमेश्वर को सांगे सांगे धरि रखिबे तेबे आपण जय पाई पारिबे
प्रभु लोक मैंने परमेश्वर को सांगे धरी रखा पड़ो आम जीवन द्वितीय प्रस्तुति पवित्र भल कथा अनुताप कले जीशु रक्त धौत हेले वाक्य बहुत पढ़िले वाक्य आपण को पवित्र कले पवित्र आत्मा पवित्र करती पवित्र उतारे प्रभु को सानिध्य को छाड़े ना प्रभु को सानिध्य को धरे रखे आम जो दाऊद को जीवन रहस्य देखा बाहर करूँ दाऊद गोटे कथा कहते दाऊद विषय लिखा जाए दाऊद जे आड़े गले सदा प्रभु जय दे पढ़ु प्रथम वंशावली अठर अध्याय छ जीवन शेष काल जाए से जो आड़े गले माय कौन रहस्य प्रथम सामुएल षोल अध्याय अठर पदरे विषय जड़े भेडिया लोक साक्ष्य दौची मुवा मान मध्य जन को देखी जीशुर एक पुत्र को देखी कौन देखी जड़े युवा लोक राजा साउल सम्मुखे से साक्ष्य दे आज्ञा साउल महाराज मुझे युवा लोक को देखी बेथलहेम ग्राम रुवा जीशुर पुओ से पचारे निपुण महाविक्रमशाली योद्धा कथार रूपवान से सभी सदा प्रभु सांगे सांगे अच्छा जड़े युवा आउ गोटे युवा विषय साक्ष्य कहूँ राजा कहूँ मुझ देखी से योद्धा मुझ देखी से रूपवान मुझ देखी से कथार विज्ञ मुझ देखी से महाविक्रमशाली मुझ देखी सदा प्रभु भाई भूणी मान मत कह रूपवान देखा कथार विज्ञ देखा विक्रमशाली देखा सदा प्रभु सांगे के चशमा पिंधे देखा जड़े युवा लोक कहला महाराजा साउल को कहला मुझे युवा को देखी सदा प्रभु आज युवा विषय अन्य युवा मान कौन कहते आपण विषय जब भल साक्ष्य कहीं पारे ना मन रखु आपण रास्ता खोलना बंद हो बंद से दिन ठू दाऊद रास्ता खोलीगला राज प्रसाद को आसवाई यू नीड टू हैव अ गुड टेस्टिमनी अमंग यूथ युवा मान भर मंडल भितर आपणकर साक्ष्य भल रहा दरकार जड़े युवा कहूँ तांगे सदा प्रभु अच्छा क्यों आखिरे देखला से कह भी कौ आखिरे देखला कौ चशम देखला चशमार पावर होहन तीन एक दुई पढ़ु ना समान से निकदीम कहले सदा प्रभु सांगे नौन से आश्चर्य कर्म हुए दाऊद युवा थिला बेले ही सदा प्रभु सांगे थे आश्चर्य कर्म करते से अनयूजुअल मिरेकल्स हैपेंड इन द लाइफ ऑफ डेविड व्हेन ही वाज वेरी यंग अनयूजुअल मिरेकल्स असाधारण आश्चर्य कर्म जब बेले दाऊद को जीवन में घटी अछि बिना बुझा बुझा भूत जाउछ लोके कहि दिया सदा प्रभु
साउल भी जाने लगे सागर सदान पर बोलती थी से जेनु माटे करे जवाब प्रभु को नाम रो धन्यवाद हे सदा प्रभु संग रे आपन अंदर थिबे केवल गोटिए छाटी आगुके पानी गरुडा पत्थर सदा प्रभु संग रे थिबे अब्राहम आदि पुस्तक 14:14 पद रे 318 जन को लेके 500 टी राजा को सैनिक को सैन्य सामंत को हराए सदा प्रभु संग रे 318 लोग कहीं प्रभु लोक मैंने सफल पदवी के पढ़ शत्रु मान संख्या असंख्य बहुत संख्यक विचारकर्ता 6:5 कहगला कि बहु संख्यक सैनिक को 300 धरिकी जाए जनपद सदा आवश्यक नाई वास्तव में जीवस्वे गले सफलता पाइबे प्रभु को संगे रखे गीत भी बढ़िया गीत भी अच्छे हृदय पद्म युवा समिति भेड़िया मान गुप्त आत्मकथ प्रभु को देवा प्रभु को धरी रखा प्रभु को लोक मानी दाऊद जिते गलियाद सम्मुखीन दाऊद कहते सदा प्रभु खड़ग द्वारा मच्छा द्वारा उद्धार कर 17:47 पद प्रथम सामने दाऊद कहले सदा प्रभु खड़ग द्वारा मच्छा द्वारा उद्धार करती ना कारण यही शुद्ध शेष पद लेखा गला बहुत सुंदर कदा कथा पढ़ सफल अध्याय शेष पद शिष्य सेमाने प्रचार कले प्रभु प्रार्थना कला बेलू प्रभु प्रभु चुप नहकर्मी कर्म कर जगन जाकब थोमा एमाने प्रचार कला बेले प्रभु सांगरे अछंती इफ गॉड इज विथ यू हु कैन बी अगेंस्ट यू प्रभु जदि आपन संगे पिला मने आपन को केले ना रे आपन नेक्स्ट से
आपणकर मिनिस्ट्री आपणकर सोशल लाइफ आपणकर स्पिरिचुअल लाइफ आपणकर पर्सनल लाइफ सब क्षेत्र रे विजय ही विजय हो बिकी देले भाई माने जोसेफ साको पनी परिवा बिकी नो पनी बिकी देले किंतु जोसेफ को संग रे सुना बिका कले कृतदास होई सदा प्रभु संग प्रधानमंत्री प्रभु जहाँगरी तीन चार पांच पद आदि पुस्तक भाग सदा प्रभु सभावर्ती सदा प्रभु सभावर्ती बहुत लगे पड़ा बेले पांच पद लेखा जोसेफ को अपना गृह सर्वस्व आशीर्वाद किंतु आखर सफा सुता घर नष्ट सफा सुता पर समुद्र अस्त व्यस्त बणिक मान सामग्री पड़ा कहीं प्रभु से पलायन कर जेते प्रार्थना चोर गुड़ाक अच्छ जाणी रख तुम्हें प्रार्थना बिना प्रभु बिना कुछ बाइबल बिना चर्च अटेंड करिवा बिना प्रभु को सानिध्य बिना तुम्हें किछि करि पारिबो नाही सारा राति भीतर एते परिश्रम कला कौन पाइला कौन पाइला किछि नाही ना किछि पाइला कौन पाइला आवर्जना जाल धोई धोई मूल खराब लेखा अच्छे जाल धोने आवर्जना पाई प्रभु बिना परिश्रम आवर्जना प्रभु बिना जब मैरेज करेंगे कौन पाइबे लाइफ पार्टनर नाई कौन पाइबे समस्ते कहतु आवर्जना टी जो कहतु दिन बारटा पर मत कौन सुबे समस्ते कहतु आवर्जना हाँ प्रभु बिना मैरेज करेंगे प्रभु को बिना पाठ पढ़े प्रभु को बिना परिश्रम करे जीवस्वर दाऊद अब्राहम शिष्य मान आम देखु प्रभु से रोकी पारे ना प्रभु को तृतीय प्रार्थना जीवन हूँ एक प्रस्तुति यात्रा पुस्तक देखो जेते बड़े मुसा पर हस्त ऊपर को हला सेते बड़े इस्राएल माने जीती माने प्रथम तिमोथी दुई रो आठ के पढ़ो थे एणु मोर इच्छा पुरुष माने सुचिवस्त उत्तरण करी क्रोध और वितर्क बिना सर्वत्र प्रार्थना करूं सूची हस्त उत्तोलन करी क्रोध सब वितर्क बिना प्रार्थना करो नो आर्गुमेंट
not fighting, only prayer. আজিকালি কমিউনিটিৰ প্ৰেয়াৰৰ অভাৱ দেখা যায়, আজিকালি প্ৰাৰ্থনাৰ গৃহৰ প্ৰাৰ্থনাৰ অভাৱ দেখা যায়, আজিকালি পৰিবাৰৰ ভিতৰত প্ৰাৰ্থনাৰ অভাৱ দেখা যায়, মনোৰঞ্জন কাৰ্যক্ৰম বহুত, প্ৰাৰ্থনা বহুত কম, প্ৰভুক লোক মানে মনোৰঞ্জন বি দৰকাৰ, কিন্তু পবিত্ৰতাক কেন্দ্ৰ কৰি চলিব, প্ৰভুক কেন্দ্ৰ কৰি চলিব, গুৰি প্ৰাৰ্থনা বেছি হ'ব। प्रभु को नाम रो धन्यवाद हेओ जेते बेले मोसा हस्त उठाइले जाकला पुस्तक 17 अध्याय 11 पद रे जेते बेले हस्त उच्छोप टेकिले इजराइल जय हेले आपनर हस्त उद्धव जदि रहिबो आपन जय हेबे केवल हस्त उद्धव छला जिहस्व सैन्य मानको नै युद्ध करिसथि जिहस्व जेउ सैन्य मानको नै युद्ध करे से माने के युद्ध विद्या जानि नथिले जेउ इजराइल माने मिस्र देश रे कीटा बनुथिले भार बहन करथिले खड्ग करि युद्ध करि नथिले अभिज्ञता नथिला आपनको एक्सपीरियंस न थाई पारे आपन एजुकेटेड हेइ न पारथि आपन इलिटरेट हेइ पारथि आपनको पाखरे विशेष क्षमता नाही किंतु प्रार्थनाकारी यदि आपन अटथि आपनको सब दुर्बलता लुचि जीव सदा प्रभु आपनको शरण हो प्रभु को लोक माने जेते पर्यंत हात उपरे अछि से पर्यंत चले अछि एणु करि प्रभु को दास माने कहथि More prayer, more power. Less prayer, sorry. No prayer. जाकू वो जुद्धो कले बधन राम और जवोक नदी घाट परे सारा राती जुद्धो कले जाकू वो को मौले जुद्धो पर सब केनो ठाणो केनो से जुद्धो को उससे वो बुझो चंदी ताह गंगो नचला হোসেও বারো তিন চারি পড়ন্তু তাহার প্রণোদন ছিলা প্রভুঙ্ক লোকমানে পড়িবা আবশ্যক নাই এহা হেলা কেতে নম্বর অস্ত্র তৃতীয় চতুর্থ হেলা উপবাস প্রার্থনা জিহোসাফট দ্বিতীয় বংশাবলী 20 অধ্যায়ে যেতেবেলে জিহোসাফটক বিরুদ্ধে তিন দল সৈন্য আসিবে অমন সন্তানগণ অমনীয় কেতেক লোক ময়াবীয় লোক মানে আসিলে সেতবে জিহোসাফট ভীত হই গেল দ্বিতীয় বংশাবলী 20 অধ্যায়ের বড় ধ্বনি তিন পদ তন্ত্রে জিহোসাফট ভীত হই সদা প্রভুর অন্বেষণ করিবাকু প্রবৃত্ত হই পুনি জিহুদার সর্বত্র উপবাস ঘোষণা করে দেখো তিন দল সৈন্যকে দেখি ভয়ে ভীত হয়ে গলে জিহোসাফট আমো লোক মানে হলে কোন কইছতে জলদি মিশরকে ডাক মিশরর সাহায্য নিও তাঙ্কু কহ সে সৈন্য দেব আমি যুদ্ধে হারিবা নাই মনিষ উপরে ভরসা করলে নাই জিহোসাফট ভয় ভীত হেলা বেড়কু বেড়ে বেড়ে ডাক্তার মানে ডরাই দেবে বেড়ে বেড়ে উকিল মানে ডরাই দেবে এই পরে সত্য কথা সে মানে কহন্তি কিন্তু সত্য প্রকার সত্য বিষয়ের ভয় দিলে উপবাস পর্যন্ত আপনি চলে যাবে ফাস্টে বিলিভ ইউ টু হ্যাভ দ্য ভিক্টরি আর সেখানে জিহুদা প্রদেশের সর্বত্র উপবাস ঘোষণা করবে আজিকালি উপবাস করিবার লোক বহুত কম দেখা যাচ্ছে ফাস্টিং আর স্পেলিং মিস্টেক বেশি দেখা যাচ্ছে কোন ফাস্টিং আর স্পেলিং কোন পিলা মানে এফ এ মধ্যে বিগ স্পেলিং মিস্টেক লাগে কোন গোটে স্পেলিং অ্যাড হয়ে যায় এফ পরে ই লাগি যায় তাহলে কোন হিসেব ফাস্টিং করিবার লোক 2 লিটার জুস 2 লিটার ক্ষীর অধ কেজি দহি সব আনি রাখছতে তার মানে ফাস্টিং দিন সাদা সুফল খাইলে ফাস্টিং ন করিবা দিন সাদা সুফল খাইলে ফাস্টিং দিন 2000 টাকার জুস খাইলে এটা কি ফাস্টিং ও বুঝি পারবে এটা তো ফিস্টিং ফাস্টিং বলে কি এই মরে না হামতি খাই খাই কি সব সুন্দর প্রেসার কোলেস্ট্রল বড়ি আর ফাস্টিং বলে কি কেহি মরে না হামতি ফাস্টিং নহি তো লাস্টিং নহি এণু
शुभ शुक्रवार आसपरि से सप्ताह गोटे दिन कम से कम करने चेस्ट कर उपवास घोषणा कले शिशु मानवास कले असुरा प्रभु आसुद्ध तुम नुह युद्ध सदा प्रभु सब पढ़ाई जीव सापट अल्प जय कले प्रभु लोक मैंने जीवन संघर्ष मानते कहवास जीवन धर्म कर पंचम प्रस्तुति संक्षिप्त पंचम प्रस्तुति आपण मान जीवन में प्रभु लोक मैंने विश्वास आवश्यक विश्वास न था कि फास्टिंग भी लाभ ना विश्वास न था कि प्रार्थना भी लाभ ना जदि विश्वास रेफरेन्स गुडाक देखा जिते लोक युद्ध को गले विश्वास सहित गले मत कहते कि छोट बाली डोड़ा पथर धरी जदि दाऊद जाऊँ साहस प्रभु प्रति कहार विश्वास सैन्य धरिकी दिहन जाहस प्रभु प्रति विश्वास एणु विश्वास बल से महान महान कर्म कर प्रभु लोक मैंने विश्वास दुर्बल होते दाऊदर से सतर अध्याय प्रथम सामने पैंचाश छयास सतचाश बहुत इनस्पायरिंग लगे दाऊद कहले प्रार्थना कला बेले खूब कांदती प्रार्थना सरला कौन कर प्रार्थना कली कौन कि केश बापा कौन कर प्रथम सामिल एक अवतर से हन्ना प्रार्थना कला मुह आसन्न प्रार्थना कला कांदे ना सदा प्रभु पढ़ा विश्वास को देखते जैर कह विश्वास विश्वास बिना रोग विरुद्ध युद्ध करेणु जिते अस्त्र शस्त्र कथा छिहार दस पदर अठर विश्वास को ढाल प्रभु लोक मैंने युद्ध प्रस्तुत होवर्ती अस्त्र अच्छे जीशु जमी युद्ध प्रस्तुत हेले बेसी जीशु युद्ध बेस्ट पैट नाम से तीन गोटी स्वभाव धरिकी युद्ध पाए आज्ञा बहता समान भाग सर्वटे अच्छे आज्ञा बहता नम्रता पिता इच्छा प्रार्थना तो कले अनाहारे कि आज्ञा बहले कृषि मृत्यु आम जब वाक्य आज्ञा बहना ये कही फेरा पांच ष्ठ नंबर है आज्ञा बहता सप्तम है नम्रता अष्टम है पिता इच्छा सार যদি যিশু কৈছেন যে মই ইচ্ছা সফল হেউ যেদিন শয়তান সে জয় কৰিব নাথাকে মৃত্যু জয় কৰিব নাথাকে অনাজ্ঞাত লোক মানে কেবে হেলে যুদ্ধৰে জয় কৰি পাৰিব নাই গৰ্বী লোক মানে কেবে হেলে যুদ্ধৰে জয় কৰিব নাই ফিলিপীয় 2:8 কৰে সে মৃত্যু পৰ্যন্ত আজ্ঞাত হেলে আপোনাৰ নত হ'ব সে নত কৰিব নাথাকে
से विजन को इच्छा साधन कर नथंते से आज्ञा बहुई नथंते से चलन में नथंते विजन जीवन बीते अपेक्षा जीवन सुभा जीवती मान को मन परामर्श प्रथम तत्व पाप रु बाहरी असंतो अनुताप परंतु पाप रु फेरंतु द्वितीयतः सर्वदा प्रभु के संग रहन की चाहत तृतीयतः प्रार्थना जीवन में दान चतुर्थतः उपवास करंतु उपवास करंतु प्रभु का लोक माने प्रभु का सानिध्य रे विश्वास रो सहित करंतु पिता को इच्छा साधन करंतु जुद्ध दिन पर आप प्रस्तुत करंतु यदि प्रतिदिन व्यायाम करिवे ना हठात युद्ध रे पारिवे प्रतिदिन बाइबल पठन प्रतिदिन प्रार्थना प्रतिदिन प्रभु का सानिध्य रे रहिवा प्रतिदिन ईश्वर को आत्मा को सामना रे चली रहिवा एहा हमको प्रस्तुत करे सु सच्ची कथा और देखा ता माने हठात प्रस्तुत आमे हे पारिवो आगुर प्रस्तुत करा को प्रभु वाक्य रे हम प्रति को आशीर्वाद करत असंत को बदे प्रार्थना करे गौरवमय स्वर्गीय पिता युद्ध दिन मायु बलक मान को तुम प्रस्तुत करा को से माने पवित्रता सहित तुमको संग रे धरि रखिके प्रभु प्रार्थना जीवन बिताए उपवास सहित रही तुम इच्छा साधन कर नम्र हो आज्ञा बह कर प्रार्थन आंख सर्वदा प्रस्तुत प्रभु वाक्य तुम आत्मा शक्ति मुद्रांकित कर राजा यह व्यर्थ नुभव को तुम हस्त प्रार्थना जीशु प्रदान कर